आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केएमपी हाईवे पर सड़क हादसे में ट्रक का मालिक और चालक हुए घायल। दोनों घायल बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में उपचाराधीन। मामला कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पलवल करीब कट से 4 किलोमीटर दूर लच्छा गांव के पास का है, जहां बीती रात आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक से ब्रेक मार दी, जिसके चलते पीछे चल रहा ट्रक चालक अभिषेक उपाध्याय और ट्रक का मालिक वीरेंद्र यादव दोनों ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई और वह घायल हो गए। घटना के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में उपचार अधीन ट्रक चालक अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव रिका रहने वाला है। उन्होंने बताया कि बीती रात करीब 2:30 बजे यह घटना हुई थी। उपाध्याय कहाँ रहते हैं आप? मेरा गाँव सोना, जिला एटा, थाना पिलुआ। यहाँ क्या हुआ है? केएमपी हाईवे पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई। कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? 12 टहरी। ट्रक चला रहे थे? बड़ा ट्रक। कैसे हुआ एक्सीडेंट? माली आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया था, पीछे से मेरा ब्रेक नहीं लगा, पीछे से घुस गई। अचानक ब्रेक मारा उसने? हाँ। बिना कोई कट वटे, बिना किसी वजह के? मैं तो खाली गाड़ी गाजियाबाद से आ रहा था। नहीं, जो सामने वाला गाड़ी वाला था उसने बिना वजह के ब्रेक मारा अचानक से? हाँ, अचानक से ब्रेक लिया है वो टेलर, और मेरी गाड़ी थी 60-65 की स्पीड में, उसने ब्रेक नहीं लिया, पीछे से घुस गई। और किसी की चोट आई है? मेरे है और मेरा मालिक है। वो किधर है? वहीं बरिंदा बैठे हैं यहीं पे। हाँ। दोनों को चोट आई है? हाँ। दूसरी गाड़ी में किसी की चोट तो नहीं आई? मुझे गाड़ी से भाग गए। वो भाग गए मौके से? हाँ। कहाँ की घटना है? केएमपी हाईवे। कौन सी जगह? लच्छा। ये कहाँ पड़ता है? पलवल वाले कट से 4-5 किलोमीटर पीछे। अच्छा।